एनसीपी सांसद उदयन राजे भोसले के इस्तीफे के बाद सतारा लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए खाली हुई थी। भोसले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनका उपचुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। एनसीपी प्रमुख अपनी पार्टी के विद्रोही भोसले के खिलाफ एक ताकतवर उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं। इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पृथ्वीराज चव्हाण का नाम का सुझाव दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने पवार के प्रस्ताव को मान लिया है। सतारा से 3 बार के सांसद उदयन राजे भोसले पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके लिए उन्होंने धारा 370 पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों को वजह बताया था। बतौर भोसले वे पीएम की इस नीति से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। दिल्ली में 14 सितंबर को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। वे एनसीपी के 4 सांसदों में से एक थे। बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद सतारा की 6 सीटों में से 4 पर एनसीपी के खाते में गई थी। वहीं कांग्रेस और शिवसेना को इस क्षेत्र से एक एक सीटें मिली थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भोसले ने एनसीपी के टिकट पर शिवसेना के नरेंद्र पाटिल को 1,72,000 वोटों से हराया था, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भोसले 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। मतलब साफ है कि इलाके में उदयन राजे भोसले का प्रभाव कम नहीं हुआ है। सतारा जिले में मराठा वोटर्स हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण खुद मराठा हैं। ऐसे में अगर चव्हाण इस सीट से पर्चा भरते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।